हेलो, अरे राजा गोहुआ उसरा ना पोयो, राजा गोहुआ उसरा ना पोयो, राजा गोहुआ राजा गोहुआ है कि सैया गोहुआ उसरा ना इंतजाम में हला रहे काहे के रे, हम न्योता पानी बांट रहे हैं। अच्छा न्योता पानी बांट रहे हैं। हम यार जाने न पन, हम कहें कि आज बारात जा रही है का कोई के मारे चाचा बाजा बात हो रही है। अच्छा हो रही है, अब 10 तारीख का जई बारात। अच्छा अब 10 तारीख का ही नहीं है, आए गए हैं बिल्कुल लबे लब है, लबे लब है। अच्छा तो भैया हम का ले चले हो का बारात, सब को चले हो, जत्ते में होबे में यहां है। हां बारात सब गई है, चलो ठीक है। हम मोहब्बत पे किसकी भरोसा करें, आज कल कदर पे वफा लोग है। दरबार में पहुंच चुके तो उतना मरवाए हम, चिंता नहीं ना। हम सोचन कुछ गम भूल जाए, गाने बजाना गाय ली गम भूल जाएगा और का करी। जहां हमारे पिताश्री ने मिनहत, जहां हमारे पिताश्री ने कहा था कि टीका नहीं चढ़ाना, वही पर हम टीका चढ़ा कर गए। तो गलत भवा है तो बताओ, मारे मारेगे नहीं हमारे जीवर। पहले हमारे पिताजी से बता करके आओ, मुलाकात करके आओ, तब तक मैं यही गेट पर हूँ। ठीक है आप गेट पर के, मैं भी जा रहा हूँ। अरे रहिया पकड़े नौवा आज बैठक, पंडित जी तुम भी आ गए। ये बताओ तिलक अच्छी जगह चढ़ाया है ना, और लोहा सिंह कहा है,
लोहा भैया गेट पे खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि दादाजी को हाल बताइए जाके। गेट पे खड़ा है जी, और हाल क्या कोई खातिरदारी में कमी रह गई? खातिरदारी मालिक ना पूछो पूरी देही पिराती है। क्या? तुम्हें मैंने तिलक चढ़ाने के लिए भेजा था, तू बता रहा कि मेरी इतनी देही पिरानी, साले वहाँ डांस वांस की और डीजे में क्या? अरे मालिक डांस नहीं, हमका डांस है, जबरदस्ती करवाई गए। जबरदस्ती? हाँ। अरे जो काम मैं नहीं करना चाहता मुझसे जबरदस्ती कौन करवा सकता है? सुनिए मालिक। अरे जबरना रोके दला भैया, लोहा सिंह को बुलाओ। लोहा सिंह ये क्या बात देख रहे हैं? पिताजी सुनो मेरी बात तो। कहो। अरे गजब हो गया आज सरकार भारी। उदयराज तुम्हें कहाँ मिल गया जो उदयराज का नाम ले रहे हो? उदयराज अवश्य बताता हूँ दादा, मैं देश जहाँ पर पिथौरा राव रहते हैं दिल्ली साहेब, हाँ वहाँ गया, वहाँ पर पृथ्वीराज ने अपने ताहर बेटे का टीका इनकार कर दिया और वहाँ से मैं कन्नौज गया जहाँ पर लाखन सिंह रहते हैं, लखन सिंह ने भी वहां पर टीका इनकार कर दिया और दादाजी मैं शहरउरी को जा रहा था। हाँ फिर क्या हुआ? और जो शहरउरी का बियाबान जंगल है उस रास्ते में पिताजी मैं जंगल में रास्ता भटक गया और वहीं पर उदयराज शिकार खेल रहा था। यानी उदयराज शिकार खेल रहा था? हाँ पिताजी। तो तुम्हें उससे क्या लेना देना? पिताजी अब से बताता हूँ, उदयराज से मुझे कोई मतलब नहीं था और मैंने उदयराज को पहचाना नहीं, तो मैंने उदयराज से उरी शहर का रास्ता पूछा, तो जानते हो दादा उरी शहर का रास्ता तो बहुत दूर रखा। जानते हो क्या बोला? क्या कहा? उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने साफ शब्दों में बता दिया कि मेरी बहन गजमुद्दीन सैनी हो चुकी है, मैं उरही शहर को टीका चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। और उसने दादा जानते हो क्या क्या है? अरे मारे कोड़ ना बबूला खाला बुड़ा आई। तुमको मैंने साथ में किस लिए भेजा था और तुम एक छत्री के लाल होते हुए तुम पीठ दिखा करके चले आए हो, सुन मेरी बात। अरे पैदा होती मां और तुम मरी जा।
हमारी जाती अरे मिटतई ना नालायक तूने गजराजा का नाम भोर दिया रे और सुन मेरी बात को जो मैंने तुझसे नहीं कहा था वही आखिर में तू करके आया पिताजी सुनो मेरी बात को अरे बड़ा लड़ैया उदला लायक कहीं के हाय नहीं मारू बबूला नहीं गरिया लोहा सिंह तूने आज छत्री कुल का नाम डुबो दिया रे सुन मेरी बात को पिताजी मेरी बात को ये बता उदयराज तुझे रास्ते में मिल गया और तिलक तुझे ले गया पिताजी तिलक चढ़ाया कहां रे दादा आप तो जानते हैं उदयराज मोहबे में रहता है उसका जो मौसी का लड़का मलखन सिरसागर का राजकुमार मलखन है ना उसी के यहां मैंने टीका चढ़ा दिया पिताजी क्या करूं और पिताजी सिरसा में मलखान का तिलक चढ़ाया हाँ पिताजी ये बताओ उन्हें हमारी शर्त सुन के जरा भी खौफ नहीं आ गया पिताजी सारी शर्तें मैंने उदयराज से अपने मुख से बतलाई और जो उदयराज का बड़ा भाई आला था उसको भी मैंने ये पत्र दिया था आपका और जो मलखान था उसको भी मैंने ये पत्र दिया था लेकिन आला और मलखान ने टीका इनकार कर दिया लेकिन उदयराज जबरदस्ती टीका चढ़वाया पिताजी चलो ठीक है लेकिन उन्हें बारात की तैयारी बारात की तारीख बताई हाँ पिताजी अवश्य बताइए माह महीना और 10 तारीख यानी 10 तारीख को बारात लेके आएंगे हाँ पिताजी चलो ठीक है आने दो बारात लेके फिर देखूंगा वो साले कितने बलवान हैं पिताजी मैं तो कहता हूं कि आप लोग यहां से चल दो हम ताकत उतना बड़ा लड़ाऊ लड़ैया है कि उसे जीती हो तुम हो नहीं तो हम अपना शहर छोड़ के चले जाए
तो का करा दे उसके डर से जैसे साला तू मर गया वही और मुझसे बता रहे यहां से चलो ये जमीन जा जाओ ये शान और शौकत ये किसे दे करके चला जाऊं रे अरे आबा मामा अरे हम पिताजी से बेर बेर के लीली मालूम अरे का है का अरे राजन कहो कहो उराई नरेश अरे कहो ये क्या मारपीट आप उसमें क्या लगाए हो लड़का को क्यों मार रहे हो आप उसमें नहीं अरे आज इसने हमारे छत्री कुल का नाम डुबो दिया क्या छत्री कुल का हाँ अरे माने इसे तुम्हारी जो भांजी गजमोदीन है ना उसका तिलक लेकर के भेजा था और इससे कहा था दिल्ली चले जाना और कन्नौज चले जाना और अगर ना बने तो उराई चले जाना और ये नालायक सिरसा में तिलक चढ़ा के आ गया अरे ये तुम्हारे भांजे है ना जानते कुछ मामा लाया होगा ना सब हाँ और यहाँ आया है तो मुंह लटकाए खड़ा मेरे सामने ये शकल दिखाने आया भैया रुके रहो भैया घोर घोर खा लो कहे परेशान के हो आए बुढ़ापा जहाँ जाओ तहाँ सब लौटिया साथ तंग की न कर अरे बात कही मामा मामा मैंने अपने पिताजी को बार बार समझा रहा था लेकिन मेरे पिताजी की बात तो समझ में नहीं आ रही थी जानते हो मामा क्या करूंगा जो नागपाल और बिच्छुवन है वहां से मोहबी आएंगे नागपाल और बिच्छुवन में जितने मोहबे वाले हैं ना मामा वो मर जाएंगे और जो उसमें से बच गए उसमें दहक खुदवा दिया और जो उससे बचेंगे मोहबे वाले तो जानते हो मामा क्या करूंगा अरे मोरा काट लूं सारे मोहबे नालायक वहां से जूता लात खा के आ गया आराम साले नालायक सुअर का मुंह काटेगा मेरे बात को सुनो तो जुलम गुजारो बदरा फारो औला क्यों ठिकाना ना है राजन तो जुलम गुजर गयो बदरा फट गयो अरे नहीं तो ठिकाना ना है अरे वो जाते घर अरे पिता चढ़ायो के बोलो कहीं का तुझे साले पैदा होते ही मर जाना चाहिए था ओ,
यो जान हर साल कैसे मैंने करी अरे रुक अब है बुला कर मारा पहना तो मर गई हो हम पे धोर ओहो हम का तुम भाजे गए अरे बताओ दादा वो अच्छे घर गए घर टीका आए कोनो चौहान घर में के है होते हो आए अरे मैंने लाख समझा कर अरे थारा पुता बंधिया मोहबिया तेने क्या घर में टीका जबरदस्ती आए अब क्या कर हो जब यार जबरदस्ती हुआ छेन लेन बिहाव करे जाए मार दे हो कितना मार पे हो बताओ उड़ाई नरेश कुछ डरम ना वा हम बताए दे माहिल बताओ जेका जेका जबर जत्ते बिहाव हो जाए वो क्या घर है बाद में मार डाली इस नालायक ने ऐसा काम किया है जी तो यही चाहता है उससे पहले इसकी गर्दन काट दूं लेकिन ये औलाद है गर्दन काट दे थे ना ना उपाय पे हो उराई नरेश सुनो मेरी बात कहो क्या कहना चाहते अरे कोई जतनिया अरे कहियो तो माहिले जो बताए करी है वो आए उन्होंने मेरी बेटी का टीका जबरदस्ती छिनाया है हाँ और मेरे बेटे को भी मारा है यो बताओ बारात कौने दिन आई बारात माघ महीने में तित्यारस को हाँ 10 तारीख को बारात आएगी 10 तारीख और हो सकत देखो आग बात हम बताई थी तुमसे बता दो मगर आए ना हो हम है को बता दो सार हैं बड़े हाथ तैयार ऐसा कुछ है लेकिन कोई उपाय उपाय बताए और हो सकत है संघल भाई हां हम हो गए हां आवे को पर है अगर तुम नहीं आओगे मगर अब आज लाग गए और आए ब जरूर जो ना बतायो माहिल बताए ने आए ये मैं उनसे कैसे बता सकता हूँ तुम से ज्यादा खाद का सार हुई दुश्माना सार हमारे वो आगे बरसते है मगर एक बात सुनाओ बोलो बारात तो वही है तुम एक काम करो बारात आवे लोहा कहीं भेज जाओ जाने तो रुका भाई कैसे हाँ बारात आएगी मेरे बात को सुनो अरे जहर मिला दो तुम खाना जब खालम जहर मिलवा दे और खातन जब तार मर गई है तो तुम्हारे बदनामी नहीं हो मोल काटे कह जो तार दारू दी पे आए रहा सार ढलन के हुई है मर गए सार बल्ले हम का देंगे और अगर खाना से ना मरे तो खाना मिला देना तो अरे जहर मिला तो तुम सारा बदमा ये बात बहुत सही कही तुमने तमकारा बदमा अरे पीता है मारे बड़ा तूजवान गर्मी के मौसम पकड़ी जहां सरबत के सर घट घट पी रहे हैं
और फट पट सोएगी नाव अपनाओ रोशन और मर गए चौदह ढोले ढोल गई है। ये बात तुमने बहुत सही कही, अगर शरबत में मिलाया जाएगा हाँ तो शरबत धूरे पे जाएगा, बिल्कुल वो सारे बरातियों के लिए ही होगा। एक एक गिलास दो सलफान टिकिया डार दो, आधी डारो या गिलास मजाक नहीं हो तो हाली मरी है नहीं, आधी डारो और खट काम चट पट होगी। दवाई तुम कह आज क्या खा आधी टिकिया खा लो बराबर फायदा ले। बहुत सही बतलाया माहिल, माल बहुत सही कहा। और आग पर दो ना बुखार चढ़ गवा आग जी क्या खाओ का दो खा ले उतर जाए दो खाई हो बुखार नहीं उतरी दवा दवाई भर दियो सार मरी के काम खत्म। मगर भैया आई बबू संग गए अब जो नहीं मानी सारे गल्ले घाट बैठा को मिल जाए पूछब तो है। अगर तुम नहीं आओगे हाँ तो आगे का कार्य कैसे होगा। अरे आए मगर तुम लोहर का जो बड़े होते अरे काम करी और मैं अब अकेला मारे नहीं का घोड़े ये दाब दिया है। लोहा सिंह को तुम ही समझा दो। लोहा कहा क्योंकि अब की बार में अगर कोई गलती हुई तो इसे मैं जान से लौंडवा है लोहा लौंडवा लौंडवा पता है का कहे कुछ कहा ना जा सकता जाने तरह है ये पैदा वारी में अरे जब भोरे पावे तो जो भाई जा रहे तल कर अच्छा हम कहते पहले हम आ चले जाई। अरे आप पहले की कमर है जाए दिल गई है पर है हराम है काम रे दिल गई है हराम तो कब बल गया के था। अरे बोले हां जबरदस्ती टीका छेड़ने लगा और बेइज्जती हो गए अब है तो का शर्म ना आ रही। शर्म तो मामा बहुत है हैं बहुत प्यारे रहना है भोरे पावा सरब में डर का डर मार खा भाई दी एक गिलास हाउ के दियो चौदह सब बंदा अबे कासो कर हा हा कार तने बढ़िया जाय जाय कार करो हाउ तो का मोहबिया सारे आग लगा दे सारे जत्ता जल्दी मर जाए छुट्टी मिले तो मामा हाँ एक दो बल्टी पानी भरवाए दो अबे अब है तो मिला ले अब और ठंड रही हाँ और सना सन ले है पी जब चलो चलो चल है ना भाई भलवाई है चलो मिलके हुस्न वाला
दादाजी, एक ऐसा ठाकुरों की बारात जा रही है।